जाना है किसी ने लॉन्ग ड्राइव पे मेरे साथ, आ जाओ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज हम मना रहे हैं वुमेंस डे। आज मैंने सोचा कि बाइक को मैं बाहर निकालूँ। इतने दिन हो गए इसको बाहर ही नहीं निकाल रही थी, तो इसको कज़न ने नीचे उतार दिया है। अब हम इसको ना लेके चलते हैं, तो देखते हैं कैसी चलती। बस दुआ करना खैर खैरियत से वापस आए, खैरियत से चले हमारी गलियों में इंशाल्लाह। देखने में जुड़े रहिएगा, देखते हैं कि कैसी चलती है हमारी ये बाइक। हाँ, चलानी आती है कि नहीं आती। आप चल पूरी वीडियो देखिएगा, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। तो चले चलते हैं आगे। हाँ जी, स्टार्ट करो। अब्दुल्लाहद भी आ गया, आ जाओ जल्दी आओ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह। अच्छा, जैसे ही हम लोग अपनी गली में बाहर निकले हैं ना, जैसे मैंने बाइक चलानी शुरू की है ना, तो गली के बच्चे मेरे पीछे 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 वो लाइन लगा ली उन्होंने। उनको मतलब वो तजस्सुस हो रहा था कि ये क्या चीज़ है, पहली दफ़ा उन्होंने इस तरह की चीज़ देखी थी ना, तो सारे बच्चे मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। फिर हम लोगों ने ऐसा किया कि हम एक शॉप पर रुक गए, वहाँ से हमने टॉफियाँ खरीदी और फिर जो भी बच्चे थे वहाँ पर मैंने रुक कर सब बच्चों में टॉफियाँ बाँटी। मैंने कहा चलो बच्चे भी खुश हो जाएंगे और मैंने पहली दफ़ा बाइक बाहर निकाली है, तो चलो ये भी अच्छा हो जाएगा कि बच्चों में कुछ मीठा बांट देते हैं, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। तो हमने टॉफियाँ बांटी और उसके बाद हम बाइक को फिर आगे लेके चले। तो माशाल्लाह इतनी कंफर्टेबल थी कि मतलब बहुत सुकून से मैंने चला ली अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर आ रहा था वो, आगे से बैलगाड़ी आ रही थी ना, इसलिए मैं फिर रुक गई क्योंकि छोटी गली है वहाँ पे साइड पे। फिर हम लोग रुक गए थे, वहाँ से हमने इस बैलगाड़ी को गुजरने दिया। उसके बाद फिर मैंने जो है ना आगे बाइक चलाई है, तो सबसे ज़्यादा मुझे खुशी इस बात की हुई कि अम्मी आराम से चल रही थी ना, मतलब अम्मी को जोर नहीं लगाना पड़ रहा था। वरना मुझे ये टेंशन होती है कि भाई अम्मी चला रही हैं तो अम्मी थक रही होंगी, अम्मी को जोर लगाना पड़ रहा होगा, तो बंदे को होता है ना मेंटली बंदा परेशान रहता है कि भाई मैं तो सुकून से बैठी हूँ लेकिन अम्मी जोर लगा रही हैं, अम्मी को मुश्किल हो रही होगी, अम्मी थक रही होंगी। मुझे वो टेंशन लगी रहती थी, लेकिन जब ये मैं लेके निकली हूँ इतना मतलब सुकून से मैं जा रही थी कि अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी को कोई टेंशन नहीं हो रही। आना किसी ने लॉन्ग ड्राइव पे मेरे साथ, आ जाओ। कार नहीं तो बाइक ही सही, शुक्र है अल्लाह पाक कार भी देगा इंशाल्लाह। और ये हम लोग आ गए सड़क पे, यहाँ पे सड़क बनी हुई है तो यहाँ से तो बहुत ही सुकून से गुजरी है। ये वैसे है तो ऐसी जगहों के लिए जहाँ पे ना इस तरह से सड़क सड़क वाला रास्ता हो, लेकिन खैर गलियों में भी शुक्र है कि चल गई, वरना मुझे तो लग रहा था कि गलियों में चल नहीं पाएगी। ये जैसे थोड़ी सी भी ऊँची जगह होती है ना, जैसे गटर होते हैं गलियों में, वहाँ से फिर ऊँचा होता है, कहीं से नीचे होती है सड़क, गली सड़क तो खैर फिर भी चलो ठीक होती है, मतलब जो गलियाँ होती हैं ना, गलियों से मुझे ये टेंशन थी कि मैं गलियों में चला के देखूँ कि गलियों में चल सकती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह चल गई थी। फिर हम चलते चलते ना मामू के घर पहुँच गए जहाँ पे मामू का घर बन रहा है, तो हमने कहा चलो, मैंने वैसे भी वो नहीं देखी हुई थी ना जो मामू ने ज़मीन ख़रीदी थी, तो अम्मी ने कहा कि चलो अभी बाइक तो है तो वहाँ पर चलो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि कहाँ मामू ने जगह ली है। मामू की जगह मैंने बताया था ना कि मामू का घर बन रहा है, तो ये वो जगह है, ये घर बन रहा है। मैं भी आज पहले दफे देख रही हूँ, ये मामू का घर बन रहा है। वैसे तो ये जो जगह है ना बहुत करीब है हमारे घर के, मतलब 3-4 गलियां हैं, लेकिन हम लोग क्योंकि बाइक चलाने के लिए बाहर निकले थे तो हमने बाइक भी चेक करनी थी, इसलिए हम दूसरे रास्ते से इस तरफ आए हैं जहाँ से लंबा रास्ता पड़ जाता था। अब ये जो जगह आप देख रहे हैं ना, ये ऐसी जगह है कि यहाँ से बाइक नहीं आ सकती, व्हीलचेयर भी नहीं आ सकती, तो पैदल बंदा जो आता है ना वो तो आराम से हमारे घर से बिल्कुल करीब आ सकता है ये मतलब इस रास्ते से, लेकिन हम लोग क्योंकि हम लोगों ने बाइक पे आना था और हम लोगों ने बाइक चेक भी करनी थी तो हम उस रास्ते से आए हैं
जहाँ से ये लंबा रास्ता पड़ता था, क्योंकि हम जो है ना, हमारा मेन मकसद ये था कि भाई हम लोग बाइक भी चेक कर लें कि कैसी चलती है, और मामों का घर भी देख लेंगे तो थोड़ी वॉक भी हो जाएगी। और फिर अब्दुल्ला जो है वो जिद कर रहा था कि मैंने भी यहाँ बैठना है, पहले वो कज़न की बेटी बैठी थी, तो फिर अब्दुल्ला भी जिद कर रहा था कि भाई मेरी मम्मा है और मैं ना बैठूँगी, कैसे हो सकता है। तो फिर मैंने उसको भी बिठाया, मैंने कहा चलो आ जाओ बैठ जाओ, लो तुम्हें बिठा के भी चला के देखती हूँ कि चलती है कि नहीं चलती। अल्हम्दुलिल्लाह चल गई थी। मैंने कहा मैं खुद ही चला के देखूँ और साथ साथ वीडियो भी बना के देखूँ। सिस्टर का भी, हाँ जी, आज रुखसाना सिस्टर मुझे देख रही होंगी तो देख ले, आज मैं आपके कहने पर ले आई हूँ बाहर। आप कह रही थी ना कि बाहर निकलो निकलो, ले आई हूँ बाहर। अच्छा उधर जाना है, अच्छा। रुखसाना सिस्टर वो हैं जिन्होंने मुझे ये बाइक भेजी है। तो रात को भी मुझे उनके मैसेजेस आ रहे थे कि अपनी झिझक निकालो और बाइक को घर से बाहर निकालो। आ गए हैं घर, माशाल्लाह से पूरे घूम के घर आ गए हैं। पसीना हो गया घर वापस, अल्लाह का शुक्र है खैर खैरियत से और बहुत इजी हो के बहुत कंफर्टेबल है। और मेरे भी मतलब सुकून है, ना दौड़ लगाना कुछ नहीं, अम्मी का सबसे ज्यादा सुकून होगा। हाँ मुझे खुशी हो रही है जी, आपको जोर नहीं लगाना बिल्कुल भी, हम चलते रहे साथ साथ बस। हाँ जी, बहुत मजे की है, बहुत कंफर्टेबल है, कोई धक्का शक्का नहीं आ रहा। हाँ जी, तो देखा आप लोगों ने कि हम लोगों ने आज बाइक बाहर निकाली थी। मतलब वैसे तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह गलियों में भी ठीक चल गई, सड़क पे भी ठीक चल गई, मैंने कंट्रोल भी कर लिया, ट्रन वगैरह जो भी आते थे ना वो मैंने सब ठीक कर लिया। बस ये है कि हमारा जो घर है ना, घर के दरवाज़ा ही मुश्किल है, कि वहाँ से उतारना भी मुश्किल है और वहाँ से चढ़ाना भी मुश्किल है। तो हम अकेले अगर अम्मी और मैं भी जाना चाहें ना तो वो मुश्किल होगी, किसी तीसरे बंदे की मदद लेनी पड़ती है। तो वो फिर इंशाल्लाह मिस्त्री को लगा के ना इसको बनवानी पड़ेगी रैम, उसके बाद इंशाल्लाह जो है ना वो फिर हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो अम्मी आप बताएं कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, आसानी से, मैं तो बस चलती गई, ये खुद ही चलाती गई है, खुद ही माशाल्लाह से इधर उधर मोड़ा। आज तो अच्छा, आपको जोर नहीं लगाना पड़ा ना, थकी नहीं है आप? थकी भी नहीं बल्कि खुशी हो रही थी। हाँ जी, तो रुखसाना देख रही होंगी, रुखसाना हमारी प्यारी सी बहन, प्यारी बेटी। हाँ जी, अल्लाह आपको खुश रखे, थैंक यू सो मच इतना प्यारा गिफ्ट देने के लिए, बहुत शुक्रिया। और अम्मी के लिए सबसे ज्यादा आसानी हो गई है बिल्कुल। और आज हम बना रहे हैं तूरियां का सालन। हाँ जी, साथ साथ हम तूरी का सालन साथ साथ बना रहे हैं। तो ये था आज का ब्लॉग, आज हमने कहा चलो बाहर जरा घूम के आते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, बताइएगा कि मैं बाइक चलाते हुए कैसी लग रही थी। इंशाल्लाह आपसे भी कल नए ब्लॉग के साथ मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।